सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को स्पेशल ट्रीटमेंट बता दिया। उन्होंने कहा ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं है, बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। शाह के इस बयान को कपिल सिब्बल ने आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर गृह मंत्री को कानून के बारे में जानकारी नहीं होती तो वो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठा दिया है। अमित शाह जी ने आज बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। उन्होंने बहुत चतुराई से कहा लोग कहते हैं। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि वो उन लोगों पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, मैं खास उनके लिए किया गया है। जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि गृह मंत्री को कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज्यादा मालूम नहीं। लोग कहते हैं कि पीछे मत छुपिए, आज मैं उन्हें समझाऊंगा कि अगर किसी को 2-3 साल से ज्यादा की सजा होती है और अगर उसे सजा पर स्टे मिल जाता है तो वो नामांकन दाखिल करके चुनाव लड़ सकता है। ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी की, किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अगर किसी पर चार्जशीट दाखिल हो रही है तो वो भी चुनाव के लिए प्रचार कर सकता है और नामांकन भी दाखिल कर सकता है। ब्रिजभूषण की तरह उन पर भी चार्जशीट दाखिल है, आखिर वो अपने बेटे के लिए प्रचार कैसे कर रहे हैं? जिस पर आरोप लगा है वो प्रचार क्यों नहीं कर सकता? मेरा मानना है कि गृह मंत्री को कानून की उतनी जानकारी नहीं है, अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वो इस तरह का बयान नहीं देते। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज्यादा मालूम नहीं। दरअसल बुधवार को अमित शाह ने ANI को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने CM केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत वाले सवाल पर कहा कि कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत एक स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा है, वो कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में 50 दिन गुजारने के बाद उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट ST News।